फ्रेंड्स, गोवर्धन बनाने के लिए हम गाय का गोबर लेंगे और गाय के गोबर से हम गोवर्धन महाराज की आकृति बनाएंगे। तो देखिए, पहले मैंने एक सर्कल बना लिया है, यानी कि गोल सा गोला बना लेंगे हम, और ये हम गोवर्धन महाराज का मुख बनाएंगे। तो ये फेस बना लिया है हमने। इसके बाद हम लोग गर्दन बनाएंगे और फिर धड़ बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें गोबर से गोवर्धन महाराज का धड़ बनाना है। फ्रेंड्स, गोवर्धन की पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है, और हमारे यहाँ पर गोवर्धन सूर्यास्त के बाद पूजे जाते हैं। तो सूर्यास्त से पहले हम लोग गोवर्धन की इस तरह से आकृति बना लेते हैं। गाय के गोबर का ही हमें इस्तेमाल करना है, और आपको किसी भी गौशाला में गाय का गोबर आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप देखिए, इसके बाद मैं गोवर्धन महाराज के पैर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं धोती का आकार दूंगी, जैसे पहले के लोग धोती कुर्ता पहनते थे उस तरह से। तो धोती का आकार देते हुए मैं यहाँ पर गोवर्धन महाराज के पैर बना दूंगी। तो देखिए, ये इस तरह से जैसे श्री कृष्ण जी खड़े होते थे बांसुरी बजाने के लिए, ठीक उसी तरह से हम गोवर्धन महाराज की आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैर बना दिए हैं नीचे की तरफ, और ऊपर ये हम धोती बनाएंगे। तो देखिए, धीरे धीरे हम इसको फिल कर देंगे, और बिल्कुल जब इसमें कलर भरे जाएंगे, ये बिल्कुल आपको धोती के आकार में ही दिखाई देगा। आप किसी भी आकार में गोवर्धन महाराज बना सकते हैं। किसी किसी के यहाँ तो बस एक जैसे गाय का गोबर लेके और उपले की तरह बना देते हैं, और बीच में दूध डालने के लिए छेद कर देते हैं और उसकी पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नाभि बना दी है, और इसके बाद मैं हाथ बना दूंगी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज की आकृति बनाई जाती है। तो देखिए, ये मैं हाथ बना दूंगी। तो ये मैंने हाथ बना दिया है गोवर्धन महाराज का। इसी तरह से मैं दूसरा हाथ बना दूंगी। किसी किसी के यहाँ पर श्री कृष्ण जी बनाए जाते हैं, यानी कृष्ण जी की आकृति बनाई जाती है, और उनके हाथ में गोवर्धन पर्वत दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में एक बार इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए नगरवासियों को, यानी बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा हो रही थी, और उससे अपने नगरवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, जिसके कारण सभी जो नगरवासी थे वो गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और उनकी सबकी रक्षा हुई थी। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को वरदान दिया था कि आगे चलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी। जैसे श्री कृष्ण जी को पूजनीय माना जाता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत को भी पूजनीय माना जाएगा, उनकी परिक्रमा को बहुत फलदायक माना जाएगा। तो उसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत की सब लोग पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये मैं पटका बना रही हूँ। जो पटका लेते हैं साथ में, वेशभूषा पहले की कुछ इस तरह की होती थी कि पटका भी ओढ़ा जाता था, तो पटका बना दिया है मैंने। तो देखिए, आकृति लगभग बन गई है। अब इसके बाद हमें इसे सजाना है। तो सजाने के लिए मैंने रंगोली के जो रंग आते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर फूलों से भी सजा सकते हैं, आटे से, हल्दी से, रोली से सजा सकते हैं, खील का इस्तेमाल कर सकते हैं सजाने के लिए। तो मैं यहाँ पर खील लूंगी और साथ में रंगोली के रंग लिए हैं मैंने। तो देखिए, इस तरह से मैं दो रंग इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने देखिए, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर लिया है और ग्रीन कलर लिया है। तो मैं यहाँ पर ऐसे पट्टियां सी बनाते हुए सजावट करूंगी। तो देखिए, मैं एक लाइन यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर की लगा दी है, दूसरी लाइन ग्रीन कलर की लगाई है, उसके बाद फिर ऑरेंज कलर की लाइन लगाऊंगी, और यहाँ पर हम इसको एक कलर भर के एक धोती का आकार दे देंगे। यहाँ पर मैंने लाइनें लगा दी हैं। तो देखिए, ताकि अगर आप लाइनें लगा लेंगे तो आपको कलर भरने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा कि कितनी दूरी में आपको कलर भरने हैं। तो इस तरह से आप लाइनें लगा लें, जिससे कि बहुत आसानी से आप कलर भर पाएंगे। देखिए, दोनों साइड एक जैसी ही पट्टियां हमें बनानी है। यहाँ पर ग्रीन ऑरेंज इस तरह की मैं पट्टियां बना लूंगी। तो इस तरह से हम लोग गोवर्धन महाराज की आकृति बनाएंगे। और पहले भी गोवर्धन बनाने की वीडियो चैनल पर आ चुकी है, जिसमें गोवर्धन बनाने का बहुत ही सरल तरीका बताया है, आप उसे भी एक बार जरूर देखें। और देखिए, पटके में कलर भरने हैं आप मुझे, तो पटके में भी जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैं लाइनें लगा लूंगी पहले, और उसके बाद मैं इसमें रंगोली के कलर भरूंगी। वही दोनों रंग हम लोग पटके में भी इस्तेमाल करेंगे, जो हमने धोती बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे। तो देखिए, इस तरह से बीच में भी मैं लाइन लगा लूंगी, और इसमें फिर मैं ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से हम लोग गोवर्धन महाराज का पटका बना लेंगे। पटका हमें दोनों साइड बनाना है, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ना बनाना चाहे तो बगैर पटका बनाए भी आप गोवर्धन महाराज की मूर्ति बना सकते हैं। फ्रेंड, जब भी आप गोवर्धन की मूर्ति बनाएं, जिस भी जगह पर आप गोवर्धन महाराज की आकृति बनाएं, पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, पानी से अच्छे से धो लें, और उसके बाद गोवर्धन महाराज की आकृति बनाएं। गोवर्धन की आकृति घर के आंगन में बनाई जाती है। गोवर्धन महाराज की जो पूजा की जाती है, आप घर के आंगन में कर सकते हैं। तो देखिए, घर के आंगन में ही हमें इस तरह से गोवर्धन महाराज बना लेने हैं।
और जरूरी नहीं है कि आप कलर करें, बगैर कलर किए भी आप गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर और उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी जगह तो आकृति बनाई भी नहीं जाती है, बस एक गोल उपले की तरह बनाकर और तब उसकी पूजा कर लेते हैं। और अगर आप बहुत सुंदर सी आकृति बनाना चाहते हैं तो सुंदर सी आकृति भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों जगह पर पटका बना लिया है दोनों हाथों के ऊपर, और इसके बाद खील ली है मैंने, जो हम पूजा में यूज करते हैं दिवाली पूजा में, वही खील है ये। और देखिए, इनसे मैं इस तरह से आउटलाइन बना दूंगी। ये आउटलाइन बनाने के बाद हमें प्रॉपर एक शेप दिखाई देगी कि हमने क्या बनाया है, मतलब कि प्रॉपर धोती कुर्ता या पटका हमें तभी दिखाई देगा। तो देखिए, इस तरह से हम लोग ये खील लगा देंगे। आप खील की जगह पर आटा भी ले सकते हैं, आटे से भी आप ये आउटलाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं जितनी भी मैंने लाइनें बनाई है सबके ऊपर मैं इस तरह से आउटलाइन बना दूंगी, ताकि आपको अलग से दिखाई देगा कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए, और इसके साथ साथ हम लोग जो भी जेवर बनाएंगे, जो भी गहने आपको बनाने हैं गोवर्धन महाराज के, आप उनके लिए भी खील का इस्तेमाल करें। सफ़ेद रंग की खील होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं और आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। तो इससे पार्टीशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, किसी भी पार्ट का बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं दूर से ही। तो इस तरह से हम लोग खील का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो आप फूल की पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये पटका हाथ के ऊपर से आता है, तो इसलिए मैंने ये ऊपर से ये खील लगा दी है। इसके बाद हम इसमें दोबारा से कलर डालेंगे, तो कलर से इसको फिल कर देंगे। इसी तरह से हम जो दूसरा पटका हमने बनाया है, दूसरे हाथ की तरफ जो पटके का पार्ट है, उस पर भी हम इसी तरह से खील लगा देंगे। और खील से ही हम लोग यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे गहने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पायल बना दी है, तो देखिए इस तरह से हम गोवर्धन महाराज की पायल बना देंगे। एक पैर की पायल बना दी है मैंने, अब मैं इसी तरह से दूसरे पैर की भी पायल बना दूंगी। तो देखिए, इस तरह से ये पायल बन गई है। और साथ साथ हम बीच में जो एक्स्ट्रा अगर कलर गिर जाते हैं या खील गिर जाती है, उनको साथ साथ उठाते रहेंगे। इसके बाद मैंने कंगन बना दिए हैं हाथों के, तो आप दोनों हाथों के कंगन बना दें। और पटके की ये लाइनिंग भी मैं इसी तरह से खीलों से ही कर दूंगी। तो देखिए, आउटलाइन सारी खील से बना देंगे हम लोग, और ये पटके के ऊपर, हाथ के ऊपर हम लोग कलर भर देंगे। साथ में ही मैंने बीच में नाभी बना दी है। नाभी जो बनाते हैं ये, इसमें दूध भरा जाता है। जब गोवर्धन महाराज की पूजा की जाएगी तो दूध यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद हम लोग हार बना देंगे, तो आप किसी भी शेप में हार बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फूलों का हार भी आप बना सकते हैं। हार बना के मैंने उसमें रंग भर दिया है, रंगोली का पीला रंग मैंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम लोग बाजूबंद बना देंगे। और देखिए, इसके बाद हम लोग आंखें बनाएंगे। पहले नाक बना दी है मैंने यहाँ पर, तो गोवर्धन महाराज की नोज हम यहाँ पर बना देंगे। तो थोड़ा सा गोबर एक्स्ट्रा लेके उससे नोज बना दी है। उसके बाद खील का इस्तेमाल करके मैं आंखें बना दूंगी। तो देखिए, इस तरह से हम आंखों की एक शेप बना देंगे। तो ये देखिए, ये एक आंख हमने बना दी है, ठीक इसी तरह से हम दूसरी आंख बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं दूसरी आंख बना रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप खील भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मुकुट बना देंगे। तो देखिए, कुछ लोग तो मुकुट बनाने के लिए तीन गोले रख देते हैं ऊपर, एक बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। या आप वैसे गोले भी रख सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर एक मुकुट की शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मुकुट बनाने की बजाय आज पगड़ी बना रही हूँ, क्योंकि हमने धोती बनाई है गोवर्धन महाराज की, और धोती के साथ पगड़ी बहुत अच्छे से मैच करती है, मुकुट उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर गोवर्धन महाराज की पगड़ी बनाऊंगी। तो देखिए, जैसे गांव में पहले लोग पहनते थे धोती कुर्ता, उसके साथ साथ जैसे पगड़ी पहनते थे, ठीक उसी तरह की हम लोग यहाँ पर पगड़ी बनाने वाले हैं। ये ऊपर से थोड़ी सी गोलाई की शेप में होगी, और देखिए इस पर भी हम लोग जो खील हमने ली थी ना, उसी से हम लोग आउटलाइन करेंगे, ताकि हमें प्रॉपर एक शेप का पता लगेगा कि पगड़ी किस तरह की है। इसी तरह से हम लोग लाइन लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम लोग खील से इस तरह से लाइन लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने लाइन लगा दी हैं। इससे ही हमें पगड़ी में जो लाइनें होती हैं, जो एक पगड़ी जब बांधते हैं ना, तो एक लेयर जाती है, फिर दूसरी लेयर जाती है, वो हमें इन लाइनों से पता चलेगा। उसके बाद हम लोग जो हमने धोती में कलर भरे हैं, सेम वही कलर भर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक हार और बना दूंगी, और यहाँ पर हम गोवर्धन महाराज की मूछे बना देंगे। तो इनके लिए भी मैंने खील का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते तो दिखाई नहीं देते गोबर के ऊपर, और ये व्हाइट कलर बहुत अच्छे से दिख रहा था। तो उसके बाद मैंने मूछें बनाई, फिर गोवर्धन महाराज का मुख बना दिया है, यानी होठ बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने सूरज बनाया है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं चांद बना दूंगी, क्योंकि चांद की और सूरज की पूजा भी साथ साथ हमें करनी होती है। हमारे यहाँ पर चांद सूरज जरूर पूजे जाते हैं। तो देखिए, साथ ही मैं यहाँ पर ये आउटलाइन कर दूंगी चंद्रमा की,
क्योंकि चंद्रमा सफेद होते हैं तो चंद्रमा में मैंने सफेद रंग भी भर दिया है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे गोवर्धन महाराज की आकृति पूर्ण हो गई है। गोवर्धन महाराज पूजा के लिए बिल्कुल तैयार है और यहाँ पर एक हाथ में हम लोग जब पूजा करेंगे ना तो लकड़ी देते हैं गोवर्धन महाराज के और दूसरा हाथ इस तरह से हमने गोवर्धन महाराज की पीठ पर रख दिया है। तो इस तरह से हम लोग गोवर्धन महाराज की आकृति बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकृति हर जगह अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और आप अपने हिसाब से आकृति को सजा सकते हैं। जैसे भी आपको सजाना आता हो आप वैसे गोवर्धन महाराज की आकृति सजाएं और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा आप जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन की पूजा करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है और धन धान्य से घर भरा रहता है। तो फ्रेंड्स, गोवर्धन महाराज की पूजा आप जरूर करें और जब भी आप गोवर्धन महाराज की पूजा करें उससे पहले सुंदर सी आकृति गोवर्धन महाराज की बनाएं। अगर आपको मेरे गोवर्धन महाराज की आकृति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।